और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने पेजेस के ऊपर काम किया था और पेजेस क्रिएट करना सीखे थे। आज के लेसन में हम इन पेजेस को मेन्यू में कन्वर्ट करना सीखेंगे, इसके अलावा ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर काम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेसन में हमने कुछ इस तरह के पेजेस क्रिएट किए थे, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट एंड सर्विसेज, इस तरह के कुछ पेजेस क्रिएट किए थे। आज के लेसन में हम इन्हीं पेजेस को ड्रॉप डाउन बटन में भी कन्वर्ट करेंगे और इनको मेन्यू में भी कन्वर्ट करेंगे। तो बास टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपके पास इस तरह के दो आपके पास नेविगेशन मेन्यू होते हैं, जैसे कि आपके पास एक टॉप पे आ गया नेविगेटर और इसी तरह एक बॉटम है यहां पे आके। तो यहां पे ज्यादातर जो लोग यूज करते हैं वो यहां पे ज्यादातर ब्लॉग का ऑप्शन यूज कर लेते हैं और अबाउट का यूज कर लेते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये दो तीन चीजें यहां पे लोग यूज कर लेते हैं सर। इसके अलावा यहां पे आपके पास ये प्राइमरी मेन्यू कहलाते हैं। तो अगर आपके पास टेम्पलेट्स में इस तरह के दोनों मेन्यू मौजूद हैं तो आप इन दोनों को आप इसी तरह एडिट कर सकते हैं। तो हमारे टेम्पलेट्स में बेसिकली सिर्फ एक ही है जो कि आपके पास यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू है, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके पास यहाँ पर भी मेन्यू है तो उनको आप कैसे ऐड कर सकते हो, और अगर किसी टेम्पलेट्स में ऐसे मेन्यू नहीं तो उनको आप खुद भी उनको ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, और अगर टेम्पलेट्स में है तो उस पर कैसे एडिटिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेसन में हम इस तरह के ड्रॉप डाउन बटन पे भी काम करेंगे, इस तरह के जो बटन ड्रॉप डाउन आ जाते हैं, और इसी तरह आपके पास देखें एक आपके पास यहाँ पे मेन्यू आ गया ड्रॉप डाउन, इसके सब मेन्यू यहाँ पे आ गए, इसी तरह यहाँ पे अगर है इसके सब मेन्यू आ जाएंगे, तो इस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और हम इंशाल्लाह इससे भी प्रोफेशनल थीम्स या टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे। तो इसमें तो कुछ ग्राफिक्स पिक्चर्स वगैरह अप्लाई किए, इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हम इससे भी इंशाल्लाह प्रोफेशनल टेम्पलेट्स पे काम करेंगे। तो मैं इसको यहां से क्लोज करता हूं और यहां से मैं इसके डैशबोर्ड में जाता हूं, यहां से विजिट साइट को मैं राइट क्लिक करके उसे ओपन न्यू टैब में ओपन कर लेता हूं, क्योंकि जो जो काम करे साथ, ताकि आपको साथ में नजर भी आए। तो प्रीवियस लेसन में हमने यहां से कुछ पेजेस क्रिएट करना सीखे थे, आज के लेसन में हम इस तरह के यहां से अपियरेंस में जाते हैं और यहां से आपके पास है मेन्यू, हम मेन्यू के ऊपर काम करते हैं। मेन्यू पे क्लिक करूंगा मैं, अपीयरेंस एंड मेन्यू, अभी फिलहाल हमारे पास कोई भी मेन्यू बना हुआ नहीं है, देख सकते हैं मेन्यू कोई भी नहीं है, अभी कह रहे हैं कि इस मेन्यू की मेन्यू वन को क्रिएट करें आप। तो मेन्यू वन हमारे पास यहां पे देखें बना हुआ है, लेकिन इसमें होम, अबाउट्स, कॉन्टेक्ट एंड सर्विसेज है। अगर आप यहां से व्यू ऑल करते हैं तो देखें व्यू ऑल में ही सारी चीजें जो कि यहां पे आएंगे, तो मेन्यू वन को ऑप्शन भी इसने दिया हुआ है, तो इससे मैं यहां से क्या कर लेता हूँ, क्रिएट मेन्यू। आप एक टेम्पलेट्स में काफी सारे मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, और भी मेन्यू क्रिएट करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्रिएट अ न्यू मेन्यू, आपके पास मेन्यू वन क्रिएट हो चुका है, आप एक और मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे मैं नाम दे देता हूं मेन्यू टू, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। अब मेन्यू टू भी आपके पास क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे देखें कोई भी आपके पास यहाँ पे मेन्यू नहीं दिए हुए, पेजेस नहीं आए हुए, तो इन पेजेस को सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें पेजेस है, पेजेस में आपके पास है व्यू ऑल, अगर आपके पास पेजेस नजर नहीं आ रहे, आपके पास इस तरह का ऑप्शन है पेजेस आपको नजर नहीं आ रहे, तो आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप पेजेस को सामने ला सकते हैं। व्यू ऑल पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने इन सब पेजेस को सिलेक्ट करना है और इनको आप एड टू मेन्यू पे क्लिक कर दें। अब बस ये पेजेस भी ऐड हो गए और ये मेन्यू टू आ गया, मेन्यू वन और टू बिल्कुल सेम है, तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि सर्विसेज को मेन्यू टू में सबसे टॉप पे ले जाता हूँ और अबाउट अस को उससे नीचे। अब यहाँ पे देखें इजीली आप इसको मूव एंड ड्रैग कर सकते हैं, कोई भी मेन्यू को आप इजिली मूव कर सकते हैं। अब सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, अबाउट अस एंड होम आर यहाँ पे, और ये मेन्यू टू है तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ, सेव मेन्यू। अभी फिलहाल आपके पास जो मेन्यू है आप इसी तरह यहाँ पे पोस्ट हैं, कस्टम लिंक्स हैं और इसके अलावा कैटेगरीज हैं, इन पे हमने फिलहाल काम नहीं किया, जब काम करूंगा तो इन पे मैं आपको बताऊंगा कब इस पे कैसे काम कर सकते हैं।
तो फिलहाल हमारे पास मेन्यू वन ही यहाँ पे सिलेक्टेड होगा। यहाँ पे अब अगर आप इसको रिफ्रेश करके देखें तो अभी हमारे पास मेन्यू वन ही है यहाँ पे। अब मेन्यू वन यहाँ पे, और अगर मेन्यू वन के बाद मेन्यू टू है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं अगर आपके पास टेम्पलेट्स होगा तो उस टेम्पलेट्स पे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक ऑप्शन है प्राइमरी नेविगेटर्स नेविगेशन करंट सेट मेन्यू वन है। देखें अब प्राइमरी जो नेविगेशन है इसमें मेन्यू वन अभी फिलहाल सेट किया हुआ है। और अगर यहाँ पे दो थीम, देखें थीम लोकेशन का बता रहे हैं, अगर आपके पास प्राइमरी के बाद सेकेंडरी नेविगेटर भी होता जो कि टॉप पे होता है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऊपर जो होता है, अगर वो भी यहाँ पे होता तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता तो आप उसको जस्ट चेक करते और वहां से आपसे एक्टिव कर लेते। अब मैं मेन्यू टू इसके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैनेज लोकेशन है, मैनेज लोकेशन पे आपने क्लिक करना है। मैनेज लोकेशन में थीम लोकेशन यहाँ पे दी हुई है और थीम लोकेशन में आपके पास प्राइमरी नेविगेशन है। इसी तरह अगर थीम आपके पास सेकेंडरी नेविगेशन पे होता तो यहाँ पे आ जाता, तो वो भी अगर आपके पास होता तो यहाँ पे आ जाता। तो आप मेन्यू वन जो है ये प्राइमरी में सिलेक्ट कर लेते और यहाँ से मेन्यू टू जो है वो सेकेंडरी में सिलेक्ट कर सकते थे। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे जो है तो एक ही है, तो एक ही मेरे पास यहाँ पे नेविगेशन है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसी को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो मेन्यू टू में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेन्यू टू में मैंने कुछ सेटिंग चेंज की थी। मेन्यू टू में मैंने होम को लास्ट में ले आया था मैं, तो यहाँ पे मेन्यू टू को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेन्यू टू यहाँ पे आपके पास यूज हो जाए, यूज न्यू मेन्यू, तो इसको आप सेव कर लें। अब जो करंट मेन्यू आपके पास आ गया वो कौन सा आ गया जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो आपके पास प्राइमरी नेविगेशन जो आपके पास थीम लोकेशन में चेंज हो गया। अब यहाँ से इसको मैं सेव करता हूँ, सेव ना भी करें तो यहां से आप जस्ट रिफ्रेश करें तो देखिएगा होम आ गया है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट एंड सर्विसेज। तो अब देखते हैं आपके पास अभी मेन्यू टू एक्टिव हो चुका है। इसी तरह आप अपनी वर्ड से काफी सारे मेन्यू ऐड कर सकते हैं, उन मेन्यू को आप सेट कर सकते हैं पहले से, और जब जब आप चाहें तो आप अपने मेन्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास मेन्यू कंप्लीट हो गया कि हमने अपने जो पेजेस इनको मेन्यू में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको इनको ड्रॉप डाउन बटन कैसे क्रिएट करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ड्रॉप डाउन बटन के लिए मेरे पास कुछ मेन्यू होने जरूरी है, तो मैं फिलहाल यहाँ पे जो नॉर्मल मेरे पास सेटिंग्स थी मैं उसी में यहाँ पे इसको लेके जाता हूँ, मेन्यू वन में जाता हूँ, मेन्यू वन पे मैं सिलेक्ट करता हूँ प्राइमरी, और मैनेज लोकेशन में जाता हूँ जाके, तो मैं मेन्यू वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सेव चेंज कर लेता हूँ। अब एडिट में जाके देखें तो मेन्यू वन आपके पास क्या आ गया जी, प्राइमरी नेविगेशन आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ मेन्यू को ड्रॉप डाउन बटन कुछ बनाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ और पेजेस ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे पेजेस पे जाता हूँ और ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, कुछ पेजेस में न्यू क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे पेजेस का नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोर्सेस, शायद मेरे पास कोर्सेज का पेज है, कॉन्टेक्ट सर्विस, ओके मैं यहाँ पे कोर्सेज का पेज भी क्रिएट कर लेता हूँ। कोर्सेज का पेज मैंने क्रिएट कर लिया और इसको यहाँ पे अपने पब्लिश कर देना है। आप यहाँ पे जो भी पोस्ट पे लिखना चाहें यहाँ पे इस एरिया में लिख सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, कोर्सेज में कोर्स ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑटोडिक्स, ऑटोडिक्स से रिलेटेड में कोर्स ऐड कर लेता हूँ। ऑटोडिक्स मीन एक कंपनी है जो कि ऑटो कैड से रिलेटेड या 3D से रिलेटेड कोर्सेज देती है। यहाँ पे आप देखें परमालिंक से, ये जब हम पोस्टिंग पे काम करेंगे तब आपको मैं समझा दूंगा इसका फंक्शन क्या होता है। फिलहाल हम यहाँ पे पेजेस कुछ क्रिएट करते हैं और एक और पेज ऐड करता हूँ। ऑटो डिस्क आ गया, ऑटो डिस्क के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी ऑटो कैड, ऑटो कैड इलेक्ट्रिकल 2017 और यहां से इसको पब्लिश कर लेता हूं। और इसी तरह और भी पेजेस को ऐड करूंगा मैं, ऐड न्यू ऑटो कैड यहां पे कर लेता हूं मैकेनिकल, पब्लिश,
एड न्यू कर लेता हूं यहां पे हाउ टू गेट आर्किटेक्चर। ओके तो मैंने यहां पे ये तीन मैंने ऐड कर लिए कोर्सेज में। अब मैं कुछ और फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग का भी मैं कर लेता हूं। ग्राफिक डिजाइनिंग पब्लिश, ग्राफिक डिजाइनिंग में एक दो वैसे कर लेता हूं फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ। फोटोशॉप एड न्यू, अब जितने मर्जी पेजेस क्रिएट करना चाहिए आप कर सकते हैं, आसान तरीका होता है कोरल ड्रॉ। मेरे ख्याल से काफी सारे काफी पेजेस हो गए, अब आप समझ जाएंगे कि मैं कैसे काम करूंगा। अब मैं सिर्फ इसमें एमएस ऑफिस कर लेता हूं अलग से। ओके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ऐड हो गया। अब मैं यहां से जाता हूं जी अपीयरेंस में जाता हूं और यहां से मेन्यू पे क्लिक करता हूं। अब देखें काफी सारे आपके पास मेन्यू आ गए, तो मेन्यू वन को मैं फिलहाल सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इन सब मेन्यू को मैं सिलेक्ट करता हूं। सबको मैंने यहां से सिलेक्ट करने, सर्विसेज तक, और यहां से ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूं। अब यहां पे देखिएगा कुछ मेन्यू डुप्लीकेट्स ऐड हो जाएंगे, तो वो मैंने खुद ही किए ताकि आपको बता सकूं कि आप अगर मेन्यू को रिमूव करना चाहें तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके अब यहां पे आ गए होम, अबाउट अस, ऑटोकैड आर्किटेक्चर, ये सारे आ गए, फोटोशॉप सर्विस। अब यहां पे देखें होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट और सर्विसेज, ये वापस दोबारा से ऐड हो गए। देखें तो यहां पे भी होम है, अबाउट अस है, तो इनको रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, होम और अबाउट अस को कौन कौन से हो जी, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट भी हो गया और सर्विसेज सारे, इनको रिमूव करने के लिए जैसे आपने क्लिक करना है, तो कोई भी पेज अगर आप रिमूव करना चाहते हो आप यहां से रिमूव पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं। इसको अप डाउन मूव भी कर सकते हैं, लेकिन अप डाउन मूव करने का नॉर्मल क्या तरीका है, आप यहां से इसको ड्रैग करके मूव कर ले, वो इजी मेथड है। अब यहां से इसका जो आपके पास नेविगेशन लेबल है इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आपने जो भी नाम रखना है चेंज कर सकते हैं यहां से भी, और यहां पे आप लिंक भी दे सकते हैं, यूआरएल भी दे सकते हैं। तो फिलहाल हमने कोई होस्टिंग सॉरी डोमेन नेम परचेज नहीं किया, जब डोमेन नेम होगा जब उसे होस्टिंग में हम उसे होस्ट करेंगे तो उसके बाद हम यहां से चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहीं पे यही रहने देता हूं और मैं इसको सिर्फ रिमूव कर देता हूं यहां से। इसी तरह आपके पास देखें अबाउट अस है, इसको भी आप सिलेक्ट करके आप रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कॉन्टेक्ट अस है, इसको भी आप रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके रिमूव, ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके आप रिमूव कर दें, तो भी यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। अब देखें तो हमने ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट करना है, तो ड्रॉप डाउन में होम, होम के बाद अबाउट अस, सही है। अब यहां पे मैं लाता हूं कोर्सेज, तो मैं कोर्सेज को ड्रैग करके सबसे टॉप पे ले आता हूं। अब कोर्सेज में मेरे पास कौन कौन से कोर्सेज हैं, एक ऑटोडेस्क का कोर्स आ जाता है, ऑटोडेस्क के कौन कौन से कोर्सेज है, ऑटोकैड आर्किटेक्चर है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ये क्योंकि ऑटोडेस्क के कोर्सेज है इनको ऑटोडेस्क के नीचे आप रहने दें। उसके बाद आपके पास ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाता है, और ग्राफिक डिजाइनिंग के जो कोर्सेज है वो कौन कौन से, कोरल ड्रॉ है और फोटोशॉप है, सॉरी फोटोशॉप है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड अगर कोर्सेज हो उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नीचे आप रखते हैं। अब यहां पे आपके पास काफी सारे कोर्सेज आ गए, मैं सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूं और मैं आपको यहां से जो है इसको मैं आपको दिखाता हूं, यहां से इसको रिफ्रेश करें तो यहां पे देखें तो बहुत ज्यादा मेन्यू ऐड हो चुके हैं। देखें काफी सारे मेन्यू आपके पास ऐड हो चुके हैं। अब इस तरह काफी सारे मेन्यू आप ऐड भी कर सकते हैं। अब मैंने ऐसा करना है कि मेरे पास जो कोर्सेज हैं तो मैं कोर्सेज का जो ऑटोडेस्क है मैं चाहता हूँ कोर्सेज का क्या आ जाए, सब मेन्यू आ जाए, तो इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले जाएं और छोड़ दें।
तो इसका क्या आ गया, सब आइटम आ गया, देख सकते हैं मेन ये आपके पास पेरेंट पेन है उसका, ये चाइल्ड आ गया। अब बेसिकली ऑटो डिस्क जो है, ऑटो डिस्क की जो मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऑटो डिस्क पे कर्सर मूव करके ले जाऊँ, ऑटो डिस्क से जो रिलेटेड सब मेन्यू वो ये वाले, तो ये अगर यहाँ पे लेके आएंगे नीचे यहाँ पे लेके आए तो ये सिर्फ ऑटो डिस्क के जो कोर्सेज आपने ऐड किए हैं उसी में आएगा। देखिएगा अब मेरे पास ये तीनों आ गए और मैं इसको यहाँ से सेव करके आपको बता देता हूँ। इसके सब मेन्यू मीन ये एक ही आपके पास ड्रॉप डाउन बनेगा, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे कोर्सेज में जाएं और कोर्सेज में अगर आप देखें, कोर्सेज में देखें तो कोर्सेज में ऑटो डिस्क ऑटो गेट आर्किटेक्चर ये इसका क्या बन गई थी, ड्रॉप डाउन बटन बन गई। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ऑटो डिस्क जो है ऑटो डिस्क ग्राफिक डिजाइनिंग के सारे कोर्सेज में आ जाए और इनकी ये ड्रॉप डाउन बन जाए तो आपके पास कोर्सेज में ऑटो डिस्क आ गया और ऑटो डिस्क के सब मेन्यू को आप ये बना दें, इसको भी सब कर दें, इसको भी सब कर दें तो ये आपके पास ऑटो डिस्क के सब मेन्यू बन गए। इसी तरह आपके पास फिर ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाता है तो ग्राफिक डिजाइनिंग को आप जो है तो कोर्सेज का सब मेन्यू बनाना है आपने, तो आप यहाँ पे इसे ड्रा करके लीजिए तो ये कोर्सेज का सब मेन्यू बन गया और आपके पास कोर्सेज का सब मेन्यू बन गया और इसके जो सब मेन्यू वर्डप्रेस के हैं जी कोरल ड्रा एंड फोटोशॉप और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है ये भी आपके पास कोर्सेज का सब मेन्यू बन गया। और अब हम इसको सेव करके देखते हैं, यहां से इसको रिफ्रेश करें। ओके देखिए होम अबाउट कोर्सेज, कोर्सेज में ऑटोडेस्क के सब मेन्यू आ गए, ग्राफिक डिजाइनिंग इसके सब मेन्यू आ गए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगर यही काम आप HTML5 या CSS में करते तो बहुत मुश्किल होता आपके लिए और देखिए कितनी इजीली हमने यहाँ पे मेन्यू क्रिएट कर लिया। तो मेन हम तो आधी वेबसाइट्स पे काम कर चुके हैं, आप इजीली वेबसाइट्स के मेन्यू और ये चीजें इन चीजों पे काम कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन जिसमें मैंने आपको मेन्यू और ड्रॉप डाउन बटन वगैरह क्रिएट करने सिखाए, तो आप यहाँ से इजीली ड्रैग करके किसी भी आइटम को दूसरे का सब आइटम बना सकते हैं और बहुत आसान तरीकाकार है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज। उम्मीद है आज के लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और इसी तरह और भी कंप्यूटर कोर्सेज सीखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें क्योंकि हमारे चैनल को आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है और वर्चुअल एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलें।